यस फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सूरी मोटर्स वाशी नवी मुंबई। आज हमारे पास स्कॉर्पियो, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, एक चैलेंजिंग वर्क होने वाला है जो हमारे पास मुंबई से आई है। कस्टमर S11 का सोच रहे थे, मैंने उन्हें रिकमेंड किया कि S11 के बजाय आप वही सेम मॉडल को रिस्टोर कीजिए, क्योंकि S11 करने में काफ़ी बजट चला जाता है, क्योंकि हम करते तो पूरा जेन्युइन पार्ट्स के साथ करते हैं, और सेकेंड हैंड पार्ट के साथ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप S11 बनाइए। इससे अच्छा बेहतर है कि आप वही मॉडल को उसी में रिस्टोरेशन कीजिए। चलिए, ये प्रोजेक्ट को हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बोनेट एक अच्छी कंडीशन में है, ग्रिल भी अच्छी कंडीशन में है, बम्पर हमें चेंज करना होगा, बोथ हेडलाइट भी हम इसमें चेंज कर रहे हैं, बोथ फॉगलाइट भी हम इसमें चेंज करेंगे। इसके अलावा जो सेंटर ब्रैकेट आता है, काफ़ी बड़ा आता है, वो भी हमें चेक करना होगा ओपन करके कि वो सही कंडीशन में है क्या नहीं। आइए आप साइडवेज में आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फेंडर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन जब हम ये क्लैडिंग निकालेंगे तो वो अंदर का पार्ट किस कंडीशन में होगा वो आगे जाके हम चेक करके फेंडर को ये लगाना है या दूसरा इंस्टॉल करना है ये हम आगे पता करेंगे। जैसे कि आप मैकव्हील देख सकते हैं, काफ़ी वर्क करना होगा इसे, हम इसे भी एक ब्रांड न्यू शेप में लेकर आएंगे। डोर मिरर भी चेक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड का नहीं है, जिसमें हम महिंद्रा का लेफ्ट साइड का डोर मिरर इंस्टॉल करेंगे। अब हम डोर पर आते हैं। डोर रियर लेफ्ट का फुल्ली डैमेज हो चुका है, जो कि हम इसमें रिमूव करके दूसरा डोर इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रू मारा हुआ है, ये क्लैडिंग हम चेंज करेंगे, ये हम इसमें दूसरा क्लैडिंग इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये साइडवेज से डैमेज भी हो चुका है। बैक साइड की टेल लाइट भी हम अपर एंड लोअर चेंज करेंगे, जो कि ब्रांड न्यू इंस्टॉल करेंगे, और बम्पर में भी काफ़ी फिनिशिंग वर्क है। रिफ्लेक्टर लाइट भी हम इसमें ब्रांड न्यू इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा काफ़ी डेंटिंग वर्क है, जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं, प्रॉपरली डेंट करके हम इसको पेंटिंग वर्क में देंगे। जैसे आप इंटीरियर चेक कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ये फाइबर्स होते हैं, ये स्कॉर्पियो, हर स्कॉर्पियो में आप फाइबर्स देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे जो हम कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा इंटीरियर पेंटिंग, डैशबोर्ड रैप, पिलर रैप, स्टेयरिंग रैप, काफ़ी कुछ इंटीरियर। विंडस्क्रीन ग्लास भी डैमेज है, जिसमें हम ओरिजिनल महिंद्रा का ASI का इंस्टॉल करेंगे। जो स्कॉर्पियो आई थी, डेंटिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने ग्लास ओपन करके डेंटिंग वर्क बाकी है, जो कि अब हम वाइपर जाली भी रिमूव करके जो भी रस्ट देख रहे हैं उसे भी रिमूव करेंगे, और जो पार्ट डेंटिंग हो चुका है साइमल्टेनियसली उसे सैंडिंग वर्क और लामिंग प्रोसेस कर। हमारे पास जो स्कॉर्पियो फुल रिस्टोरेशन के लिए आई थी, जिसमें काफ़ी एक्सटीरियर वर्क था, फुल इंटीरियर वर्क मैं कहूँगा, क्योंकि एक पार्ट भी हमने नहीं छोड़ा है, फुल इंटीरियर वर्क हुआ है। उसके अलावा मेजर मैकेनिकल वर्क था, मैं मैकेनिकल वर्क से चालू करना चाहूँगा। सस्पेंशन तो था, इसके अलावा टर्बो में काम था, हमने टर्बो में कोर वगैरह भी चेंज किया, इंजेक्टर्स चेंज किए, उसके अलावा काफ़ी ऑयल चेंज, क्लच का भी काम हुआ है। चलिए अब मैं आपको एक्सटीरियर से बताता हूँ। पेंटिंग वर्क और ग्लॉस फिनिश आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी डेंटिंग वर्क था, प्रॉपर बोनेट भी हमने फिनिश करके उसे अलाइन करके इंस्टॉल किया है। उसके अलावा फ्रंट बम्पर हमने ब्रांड न्यू चेंज किया है, फॉगलाइट हमने ब्रांड न्यू इंस्टॉल किया, इसका सेंटर ब्रैकेट जो मेजर ब्रैकेट आता है वो भी हमने इसमें चेंज किया है, बोथ साइड राइट लेफ्ट हेडलाइट भी हमने इसमें चेंज किया है, शो ग्रिल को हमने उसी में पेंट किया गया है। मैं अलॉय व्हील पर आना चाहूँगा, हमने इसमें सिल्वर पेंट किया है, और कैलिपर आप देख सकते हैं रेड कलर में किया है, और आप मड फ्लैप का, फोर कॉर्नर्स का, फुटरेस्ट का भी फिटिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा क्लाइडिंग की भी आप फिटिंग चेकआउट कर सकते हैं, जो हमने प्रॉपरली पेंट करके इंस्टॉल किया है।
लेफ्ट साइड का मिरर ब्रांड न्यू महिंद्रा का हमने इसमें इंस्टॉल किया है। डोर वाइजर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्रोम लाइन विद परफोरेटेड पैटर्न हमने इंस्टॉल किया। गार्नेस पट्टी जो कि इनर भी हमने ब्रांड न्यू इंस्टॉल किया और आउटर भी हमने इंस्टॉल किया। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा लुक के लिए डोर गार्ड भी हमने इसमें इंस्टॉल किया। साइड में आएंगे, स्पॉइलर को हमने पेंट किया, अपर टेल लाइट और लोअर टेल लाइट भी हमने बोथ इसमें चेंज किया गया, रियर बम्पर भी हमने चेंज किया गया। उसके अलावा जो रबर पार्ट आता है अपर का वो भी हमने चेंज किया गया। ऑल मोनोग्राम स्कॉर्पियो के हमने इसमें ब्रांड न्यू इंस्टॉल किया। इवन नंबर तो आपने देखा, अब इंटीरियर का मैं आपको एक लुक दूंगा। आप देख सकते हैं हमको भी एज पर अवर थीम ग्रीन विद ब्लैक हमने पियानो ब्लैक में इसे हाइड्रोडिप किया गया, प्लस डोर को हमने इनर साइड को ग्रीन में पेंट किया गया। आप डैशबोर्ड की आप फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हैं जो कि हमने लेदर रैप किया गया। आप स्टिचिंग वर्क भी आप उसमें देख सकते हैं किस तरह से बेहतरीन लुक आया है। और उसके अलावा एसी ग्रिल को हमने पियानो ब्लैक किया है और एंड्रॉइड के फ्रेम को भी हमने इंस्टॉल किया विद पियानो ब्लैक करके। इंटीरियर में अंदर बैठकर जो सीट की फिनिशिंग आई है, ये मैं कहना चाहूंगा जो सीट से काफी इसके वेल्डिंग रॉड जो इनर पार्ट में सीट आते हैं वो पूरे तरह से रस्ट होके ब्रेक हो चुके थे, वो हमने प्रॉपरली वेल्डिंग करके सीट को एक एक सीट को अलाइन करके हमने सीट कवर डाला है। आप डैशबोर्ड रैपिंग भी देख सकते हैं जो कि स्टिचिंग के साथ काफी बेहतरीन लग रहा है। एक डिफरेंट लुक आ जाता है डैशबोर्ड का जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है आपको अगर इंटीरियर में एनहांस करना है तो। उसके अलावा हमने पियानो में एंड्रॉइड सिस्टम के फ्रेम को भी हाइड्रोडिप किया गया जो कि हमने माइस टीवीएस का एंड्रॉइड डाला है। उसके अलावा गियर नॉब को हमने ग्रीन में रैप किया गया, गियर बूट को ब्लैक में रखा गया, सेंटर कंसोल ईच एंड एवरी फाइबर को हमने पेंट किया गया एक न्यू फिनिश के हिसाब से। स्टेयरिंग को भी आप चेकआउट सकते हैं, हमने ग्रीन में रैप किया गया ना कि स्टेयरिंग कवर इंस्टॉल किया गया। यस फ्रेंड्स, अभी आपने हमारा स्कॉर्पियो का वीडियो देखा जो मुंबई से हमारे पास फुल रिस्टोरेशन के लिए आए थे। काफी मैकेनिकल वर्क था, सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन, क्लच, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल वर्क, इंटीरियर वर्क जो कि कस्टमाइज करके किस तरह से बेहतरीन लुक आया है। एक्सटीरियर इंटीरियर जो हमने कलर चेंज किया है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्कॉर्पियो या कोई भी गाड़ी है तो हमें जरूर याद कीजिए। हम वाशी नवी मुंबई में लोकेटेड है और हमारा फ़ोन नंबर है 8080244774। थैंक यू।